हेलो फ्रेंड्स, आई होप सारे अच्छे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं MRI स्पेक्ट्रो। तो MRI स्पेक्ट्रो करने के लिए क्यों करते हैं, लीजन के लिए करते हैं। तो हमारा ये जो चल रहा है स्पेक्ट्रो के लिए, नॉर्मल प्लेन में आप ये सीक्वेंस लेते हैं एक्जियल T2 फ्लेयर FS, तो उसमें स्पेक्ट्रो के लिए करनी क्या होती है, उसमें कैसे करते हैं, उसमें फास्टिंग की नीड होती है नहीं होती है, वो हम आपको बताएंगे। एक्चुअली चलो हम कुछ इसमें पहले एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसके बाद हम प्रॉपर करेंगे। तो इसमें करनी क्या होती है, अगर स्पेक्ट्रो के दो सीक्वेंस होते हैं, एक सिंगल बॉक्स होते हैं एक मल्टी बॉक्स होते हैं, इसमें देख सकते हो आप। तो एक होता है प्रोब SV35 यानी सिंगल बॉक्स, और एक होता है प्रोब MB144। तो इसमें हम चलते दो सीक्वेंस लेते हैं। इसमें क्या करना है आपको, अगर आप स्पेक्ट्रो कर रहे हो तो इसमें एक ट्रू एक्जियल लेनी होती है, उस एरिया को लेनी होती है जो एरिया में लीजन आपको दिख रहा है। आप इसको प्लेन में भी कर सकते हो एंड कंट्रास्ट में भी कर सकते हो। तो इसमें प्रोब, अगर आप सिंगल बॉक्स में वन प्रोब SV144 भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। और जनरली होता क्या है कि एक प्रोब SV35 में करते हैं, एक प्रोब MB144 जो होता है मल्टी बॉक्स होता है। तो इसमें करनी क्या होती है, एक ट्रू एक्जियल लेनी होती है जो स्कैन फेस होता है, उसमें हम ऑब्लिक भी डालते हैं, सैज वगैरह होता है तो सैज डालते हैं। तो इसमें हम एक ट्रू एक्जियल लेंगे, तो ट्रू एक्जियल लेंगे तभी आपको स्पेक्ट्रो कर सकते हो आप। तो ट्रू एक्जियल अगर आप नहीं लेते हो तो स्पेक्ट्रो आप इसमें प्रॉपर जो हमारा ग्राफ होता है, यानी जो हम ड्रॉ करके लगाते हैं, जैसे कि ROI जैसे हम CT वगैरह करते हैं, तो उस तरीके से जो लगाते हैं वो नहीं, आप एरिया को नहीं कवर कर पाओगे। तो इसके लिए आपको एक ट्रू एक्जियल इमेजेस लेनी ही पड़ती है। तो चलो फिर हम पहले एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रॉपर करके दिखाएंगे। और ये इसको मैं आपको पोस्ट प्रोसेसिंग जो होती है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। तो चलो फिर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो। तो ये जो हमने अभी ओपन किया है, ये आपको मल्टी बॉक्स, ये इसको बोलते हैं मल्टी बॉक्स, लेकिन ये हमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट इसलिए कर रहे हैं कि कुछ हमने इसमें ऑप्शन हाइड कर दिए है, जैसे ग्रिड वगैरह ओपन नहीं हो रहा इसमें। और जो ये सेट बैंड मिल रहा है आपको, ये सेट बैंड कब लगानी है, क्यों लगानी होती है, कैसे लगानी है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो ये आप वीडियो को बने रहें लास्ट तक और आप देखते जाओ हम कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं पहले। और हमें क्या करना है, एक ट्रू एक्जियल लेना है। तो आपको जैसे मैंने दो सीक्वेंस बताए दिए, सिंगल बॉक्स एंड मल्टी बॉक्स, तो हम करने वाले हैं मल्टी बॉक्स। तो यहाँ पे हम ऐड सीक्वेंस पे हमें जाना है, कुछ इस तरीके के इमेजेस आपको देखने को मिलेगा। तो हमें जाना है कहाँ, मल्टी बॉक्स, सॉरी ऐड सीक्वेंस पे। ऐड सीक्वेंस पे हमने जा करके वहाँ से प्रोटोकॉल मैं लूँगा प्रोब MB144। ये देखो अभी हम ऐड सीक्वेंस पे गए, प्रोब MB144 ले लिया, उसके बाद एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद हमने क्या करना है, उस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते के साथ ओपन हो जाता है, उसके बाद हमने ट्रू एक्जियल इमेज लेके यहाँ पे आनी है बॉक्स में। ट्रू एक्जियल इमेज आने के बाद हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है, एरिया कवर करना है। एरिया कौन सा कवर करना है, नॉर्मल करना है, अबनॉर्मल। अगर सिंगल बॉक्स लगाते हो तो सिर्फ अबनॉर्मल यानी जहां लीजन है उस एरिया में ही लगाओ। अगर मल्टी बॉक्स लगा रहे हो तो वो आप नॉर्मल एरिया में भी लगाओ और अबनॉर्मल एरिया में भी लगाओ, दो बॉक्स। तो ये होती है मल्टी बॉक्स करने के फायदे, क्योंकि कंपेयरिंग करने के लिए ज़्यादा बेटर होती है कि नॉर्मल एरिया कहाँ है और अबनॉर्मल एरिया कहाँ है। तो हमें यहाँ पे हमने ट्रू एक्जियल इमेजेस लेके आ गए, और ट्रू एक्जियल इमेजेस ला के हम यहाँ पे करना है ड्रॉ करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करते के साथ कुछ इस तरीके से ओपन होगा, यहाँ पे लॉग सेट सिम, उसके बगल में स्पेक्ट्रो दिख रहा है, उसको करना है ग्रिड हाइड। ग्रिड हाइड करने के बाद आपको हमें बोन से भी बचना है, और जो सेट बैंड है हमारा उससे थोड़ी सी हाइट, थोड़ी दूरी बनानी है उसकी, थोड़ी सी अलग करनी है। और जब आप स्पेक्ट्रो प्रॉपर लगा लोगे उसके बाद आपको जो सेट है वो सेट बैंड है उसको थोड़ी सी डिस्क्लोज यानी मतलब उसे क्लोज करनी है एरिया को, और ग्रिड ओपन करनी है। इस तरीके से कुछ हमने नॉर्मल भी ले लिया एरिया और कुछ अब नॉर्मल एरिया ले लिया। अब क्या करना है, स्पेक्ट्रो को स्पेक्ट्रो में जानी है सेट सिम के साथ, सिम के बगल में, और उसको करना है ऑन स्पेक्ट्रो को। ग्रिड ऑन कर लिया हमने,
अब ग्रिड ऑन करने के बाद ये क्या किया हमने, जो लाइनिंग आ रही है इनसे इसको मिलानी है। मिला करके क्या करना है, सेट बैंड को थोड़ी साइड में सेट करना है, और सेट करके करके क्या करना है, सेव आर एक्स कर लेना है। सेव आर एक्स करने के बाद स्कैन कर लो। स्कैन करने के बाद आपको दो इमेजेस इसमें मिलेंगे, प्रोब आता है इसमें, प्रोब MB144 दो इमेजेस। तो हमें कहाँ करना है क्लिक, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसको हमने सेट कर लिया और सेट करके सेव आर एक्स कर लिया। एक्चुअली में इसमें स्पेक्ट्रो जब आप लगाओ तो एक ट्रू एक्जीएल इमेजेस जरूर लो, एक्जीएल की टू पॉपुलर का। ये तरीके से दो इमेजेस आ गए हमारा, इसी को हम ग्राफ बनाएंगे। तो इसमें हम चलते हैं पहले व्यूअर बॉक्स पे। यहाँ देख सकते हो आप प्रोप MB144 आ गए। अब इस पर करना है क्या, क्लिक करना है और इसको रेड व्यू करना है, रेडी व्यू कर सकते हो आप। ये देखो व्यूअर के नीचे आएगा रेडी व्यू, पेस्टिंग की इमेजेस के नीचे आता है, यहाँ पर रेडी व्यू आ गया। रेडी व्यू पे जैसे ही क्लिक करोगे कुछ इस तरीके से ऑप्शन मिलेंगे आपको, उसको करना है ओके। ओके करने के बाद कुछ इस तरीके से ग्राफ मिल जाएगा। इसमें आप जहाँ भी क्लिक करोगे बगल में ग्राफ दिखाएगा, नॉर्मल एरिया नॉर्मल एरिया का। तो इसको आप कंट्रोल एस करके सेव भी कर सकते हो, कि जहाँ आपको लग रहा है कि ये एरिया नॉर्मल है, ये एरिया नॉर्मल है, उसको कंट्रोल एस करके सेव कर सकते हो। और इस तरीके से आप पेशेंट को फिल्म भी प्रिंट करके दे सकते हो। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर आने वाला वीडियो आपके तक अपडेट हो सके। और वीडियो को शेयर करना ना भूले, ताकि आपके दोस्तों को भी हेल्प हो सके। तो इस तरीके से आप स्पेक्ट्रो कर सकते हो, कंट्रास्ट में भी कर सकते हो, नॉन कंट्रास्ट में भी कर सकते हो। आपको जिसमें लीजन हाई लीजन अच्छा दिख रहा है उस तरीके से अभी आप कर सकते हो।